नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में लगभग 40 प्रश्न हैं जो विभिन्न विषयों से संबंधित है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, गोल्डन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी गोल्डन पुरस्कार का संबंध किससे। तो गोल्डन पुरस्कार का संबंध किससे है, पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किसको दिया जाता है, तो अशोक चक्र है वो केवल रक्षा कर्मियों को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, यानी विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है, तो गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार है वो विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक है वो आप जानते हो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। कौन से राज्य में रक्षा दिवस को वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कौन से राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बिहार राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, HTTP का विस्तृत रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका विस्तृत रूप है। ईवीएम के फुल फॉर्म क्या है, तो ईवीएम के फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन है, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वह है विराट कोहली। ब्लैक पर्ल का संबंध किस खेल से है, तो ब्लैक पर्ल का संबंध फुटबॉल खेल से है। किससे है, फुटबॉल खेल से। भारत के कौन से राज्य में मलखब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, तो मध्य प्रदेश ने यह घोषित किया है। इबोला क्या है, इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर माना जाता है, तो जीका वायरस का वाहक है वो एडिस मच्छर माना जाता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये दिमाग को प्रभावित करता है। परमाणु विद्युत होते हैं, परमाणु उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्ड स्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं, तो ये इनपुट डिवाइसों के उदाहरण हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, तो ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। एक अश्व शक्ति में हॉर्स पावर कितने होते हैं, 746 वोट होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति कहाँ मिली है, तो ये बनवाली में मिली है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख कहाँ मिला है, ये धोलावीरा से मिला है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो दशराज युद्ध है वो पुरुषुणी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। पुरुषुणी जिसका वर्तमान में नाम है रावी नदी। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में शामिल किया गया था, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कौन से अधिनियम द्वारा किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय प्रणाली का पहला प्रयास
किया गया। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिवेदन किसके द्वारा किया गया? एमएन रॉय द्वारा यह प्रतिवेदन किया गया। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में 7 ग्रहण हो सकते हैं अधिकतम। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो डायमंड रिंग की घटना है वो सूर्य ग्रहण के समय होती है। सिजिगी क्या है? सिजिगी का मतलब है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। ज्ञान की प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान की प्राप्ति से पहले महावीर का नाम वर्धमान था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।